कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान, अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र, श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11000 रूपए, औषधि दान 11000 रूपए, पिच्छी दान 11000 रूपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21000 रूपए, विशेष सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए, संरक्षक 111000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 211000 रूपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है, भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। एक बार की बात, एक राजा के दरबार में एक भिक्षु का आगमन हुआ और भिक्षु से राजा ने निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ आएं और आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें और मैं बहुत अच्छे भोजन बनाऊंगा और आप भोजन अच्छे से तृप्त होकर लीजिए, उसके बाद मुझे कुछ उपदेश दीजिए। राजा ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत बढ़िया खीर पूड़ी हलवा सब बनवाया और निश्चित समय पर भिखारी आ गया, फकीर आ गया, और फकीर ने जैसे ही कटोरा आगे किया वैसे ही राजा ने अपना पात्र पीछे कर लिया। राजा के पात्र पीछे करते ही फकीर ने कहा, तुम देते क्यों नहीं, मैंने कटोरा आगे बढ़ाया है। राजा ने कहा, गौर से देखो, तुम्हारे कटोरे में कंकड़ है, कंकड़ दूंगा तो खीर खराब हो जाएगी, खाने में आनंद नहीं आएगा, और कंकड़ जब तक साफ नहीं हो तब तक मैं खीर कैसे दूं, पहले इसे निकालो उसके बाद कटोरा साफ करो फिर मैं तुम्हें खीर दूंगा। और फकीर अपना कटोरा थैला में डालकर वापस जाने लगा। राजा ने कहा, ये क्या करते हो, मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं थी, ना तुमने भोजन लिया ना मुझे उपदेश दिया, तुम यूं ही जा रहे हो। उसने कहा, मैंने भोजन भी दे ले लिया और मैंने उपदेश भी दे दिया। उन्होंने कहाँ लिया, उन्होंने कहा, जैसे कि तुमने खीर तो बनाई थी लेकिन मेरा पात्र गंदा था, कंकड़ थे और गलत था, इसलिए तुमने अपनी खीर पीछे कर ली। इसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में भी कसाई के, पाप के, ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के कंकड़ पड़े हैं, मैं अपनी अमृत रूपी वचन रूपी अमृत की खीर तुम्हें कैसे दे दूँ, और तुम्हारे खाने योग्य नहीं रहेगी, तुम खा लोगे देखने में लगेगा कि तुम्हें खीर मिल गई है लेकिन तुम तृप्त नहीं हो पाओगे। हमारे साथ भी यही है, हमें जीवन में भक्ति का आनंद अमृत क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भक्ति का आनंद जिनको मिल जाता है वो फकीरी में भी भगवंत हो जाते हैं।
बुद्ध जब तक घर में थे तब तक उन्हें कोई बुद्ध नहीं कहता था, महावीर जब तक घर में रहे तब तक वो भगवान नहीं हुए। घर में थे महापुरुष हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं, ज्येष्ठ हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती भी हो सकते हैं। फिर भी जब तक कि वो सब कुछ छोड़ नहीं दें, दुनिया का दस्तूर अजीब है, छूट जाता है तो बरस जाता है, त्याग दो तो बरस जाता है और इकट्ठा करो तो हाथ से छूट जाता है, छिटक जाता है। वैसी हमारी हालत है, हम जितना जितना इकट्ठा करते हैं हमसे दूर चला जाता है, और जैसे ही हम छोड़ने लगते हैं, छोड़ने और छुड़ाने में अंतर है। आपसे कोई साधु संत कह दे आप आलू छोड़ दो, आप चीनी छोड़ दो, तो क्या होता है, आपको कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि आपको वो इष्ट थी, प्रिय थी, आप नहीं छोड़ना चाहते, किसी ने मजबूर में छुड़ाया, और छुड़ाया तो आपको दुख हुआ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे कह दे कि आपको एक महीना क्या, तमाम जिंदगी आपकी शुगर हाई रहती है, अब आपको चीनी नहीं खाना, तो आप पैसा भी देकर आते हो, आप पैसा भी देकर आते हो और उसके बाद चीनी भी छोड़ाते हो। सोचो, एक डॉक्टर पर इतना भरोसा है, जिसको त्याग भी कराते हो और पैसा भी दे आते हो, दान भी कराते हो, लेकिन हमारे आचार्य तो तुम्हें इसी रोग से नहीं, जन्म जरा मृत्यु के रोग से मुक्त कराने की बात कहते हैं, और मुक्त नहीं, अपने आप से संयुक्त कराने की बात करते हैं, क्योंकि आप अपने ही मित्र हो, अपने ही शत्रु हो, अपने ही बैरी हो और अपने ही इष्ट हो। आप जब अपने आप में आनंद में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, समर्पण में रहते हैं, श्रद्धान में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, दया में रहते हैं, करुणा में रहते हैं, तो आप अपने मित्र हो जाते हैं। जब आप द्वेष में रहते हैं, कलेश में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं, छल कपट में रहते हैं, बुराइयों में रहते हैं, निंदाओं में रहते हैं, तब आप अपने शत्रु हो जाते हैं। और आप देखना, शत्रु और मित्र दुनिया में नहीं होते हैं, आपके अंदर होते हैं। पहले अंदर शत्रु हो तो बाहर शत्रु पैदा हो जाता है। आप जब क्रोधित होते हैं तो क्या करते हैं, ऑफिस में आपको अफसर ने डांटा, आप अफसर को कुछ नहीं कह सकते हैं। आप अपनी पत्नी पर या चपरासी पर क्रोध निकालते हैं, चपरासी अपनी पत्नी पर निकालता है, पत्नी अपने बच्चों पर निकालती है, बच्चे अपने खिलौने तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास वो ही है, वो ही साधन है, वो अपने से ऊपर तो कर नहीं सकते हैं। आप भी क्या कर रहे हो, अपने उत्थान के मार्ग को नहीं देख रहे हो। एक ही गुण मिलता है तो आदमी का सद्गुणी हो जाता है आदमी, और एक ही अवगुण मिलता है तो पतन की ओर चला जाता है। हम आज पतन की ओर जाने में लगे हुए, हम जीवन को यूं गंवा रहे हैं जैसे ना जाने हर जन्म में मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटक भटक कर एक एक पर्याय में कितने दुख सहे हैं। दौलत राम जी कहते हैं कि त्रियंच पर्याय में इतने कष्ट सहे हैं कि करोड़ों जिव्याओं से दुख नहीं कहे जा सकते हैं। आप सोचिए, पेड़ पौधे हुए तो धूप में तपते रहे, कटते रहे, खोदते रहे, पानी नहीं दिया, कभी किसी ने जला दिया, किसी ने उखाड़ दिया, आपने क्या किया? आज किसी को जलाने में लगे हो, किसी को उखाड़ने में लगे हो। ये शक्ति, मनुष्य की शक्ति हर जन्म में मिलती है क्या? हर जन्म में नहीं मिलती, करोड़ों जन्मों के बाद इतना अच्छा संयोग कब मिलता है आदमी को? ये तो तुम्हारे हाथ में किसी ने कोहनूर हीरा दे दिया, और कोहनूर को कौआ उड़ाने में मत लगाओ, कोहनूर को सही दाम लगाकर संपत्तिवान बनो, सही संपत्तिवान। बुद्ध महावीर थे जो संपत्ति के रहस्य को पहचाने, इसीलिए कहा है, धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सु। धन अकेला दान करते हो, मन भी दान किया करो, तन भी दान किया करो। अकेला धन का दान तुम्हें अहंकारी बना देता है। जिस दिन तुम मन से दान करोगे, उस दिन जिसको दान दोगे उसके प्रति तुम्हें स्नेह का भाव आएगा, उसके प्रति प्रेम जागृत होगा कि तुमने लुटा दिया, अच्छी जगह लुटा दिया, जहां लुटाया वहां बहुत लौट कर आएगा। जिनके चरणों में लुटाया इस जीवन को भी धन्य बना दोगे। कई लोग तो आंखें ही लगाए रहते हैं कि कितना मिलेगा, मैंने पूजा की तो कल जाकर खजाना मिलेगा या नहीं खुलनेगा, क्योंकि कहते हैं यहाँ की संपत्ति तुम्हें दरिद्र बनाती है और अलौकिक संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति तुम्हें परमात्मा बनाती है, तुम्हें वो संपत्ति देती है, अनंत चतुष्टय की संपत्ति देती है।
और तुम्हें अनंत गुणों का धनी बना देती है, तुम्हें परमात्मा बना देती है। तुम हंस हो, बगलों के साथ मत बैठो। तुम यहाँ क्या ऋषि होने आए थे? तुम क्या कर रहे हो? पागलों की तरह, घाव की तरह रिस रहे हो, ना नींद भर सोते हो, ना चैन भर खाते हो, ना किसी से प्यार से बोलते हो। तुम्हारी जिंदगी को तुमने नरक से बदतर बना दिया है। नरक कहाँ है? जहाँ हाय तोबा हो, जहाँ कलेश हो, जहाँ ईर्षा हो, जहाँ छल कपट हो, जहाँ किसी की मारने की भावना हो, जहाँ जीने की भावना अंत हो चुकी है, वही तो नरक है। आज हर आदमी अपना अपना नरक लिए बैठा है और परमात्मा को दोष देता है। परमात्मा, तेरे को भी मेरी किस्मत ऐसी लिखनी थी क्या? थोड़ी अच्छी लिख देता। अरे वो तो अभी भी पेन डायरी तुम्हें दे कर भेजा है। तुम जो चाहो लिखो, गीत लिखो या गाली लिखो, तुम्हें जो लिखना है तुम वो लिखो। लेकिन तुम क्या लिखते हो? जब शादी होती है नई नई तो क्या होता, सब लोग प्रेमी दिखते हैं, सबके अंदर प्रेम होता है। लेकिन जहाँ वासना में व्यवधान आता वहीं दुश्मनी पैदा हो जाती। वासना सच्ची दुश्मन है। वासना तुम्हें कहीं टिकने नहीं देती है। दुकान जाओ तो घर की याद आती है, घर आओ तो दुकान की, मंदिर जाओ तो घर की, घर जाओ तो मंदिर की याद आती रहती है। एक बार दो मित्र थे और दोनों मित्रों में आपसी बहुत दोस्ती थी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। एक जुआरी था, दूसरा पुजारी था। किसी जगह काम करते थे और एक दिन उसके मालिक ने जुआरी को मंदिर भेज दिया और पुजारी को जुआ के लिए भेज दिया। आप पुजारी सोच रहा है कि रोज जुए में आनंद आता था, आज कहाँ से फंस गया, और जुआरी सोच रहा है रोज तो पाप में लगा रहता था, आज परमात्मा तेरा धन्यवाद है तूने मुझे बुला लिया। अब बताओ दोनों में से किसका पुण्य है? जो परमात्मा को अच्छे काम के लिए धन्यवाद दे रहा उसका पुण्य है। तुम भी मंदिर में आते हो तो ये कह के मत आया करो बस जाना है निपटाना है। अरे परमात्मा को निपटाना है कि परमात्मा की शुरुआत करनी है? परमात्मा जब तक हमारी परमात्मा बनने की भूमिका ना बन जाए, परमात्मा बनने का बीजा रोपण नहीं हो जाए, तब तक सारे बीज झूठे हैं, सारी बातें झूठी हैं, सारे सिद्धांत झूठे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम परमात्मा बनने के लिए बीजारोपण करें, अच्छे भाव रखें। उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है? श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है? आपके अंदर श्रद्धा नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ लुटाने का भाव होता है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ हर अच्छाई दिखती है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो
भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमे आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रूपए, औषधि दान 11,000 रूपए, पिच्छी दान 11,000 रूपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रूपए, विशेष सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रूपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार जंगपुरा दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी C-130 पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी निवासी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल।